बिग बॉस 14 में पिछला हफ्ता काफी ट्विस्ट से भरा रहा है। फिनाले वीक के डबल एविक्शन साथ ही 6 नए चैलेंजर्स की एंट्री। इसी बीच शो से राहुल वैद्य का क्विट कर जाना फैंस के लिए बेहद निराशाजनक रहा है। लेकिन दोस्तों अब खबर ये आ रही है कि शो में एक बार फिर से राहुल वैद्य और अली कोनी दोबारा एंट्री कर सकते हैं। राहुल वैद्य और अली कोनी के फैंस के लिए खबर बड़ी ही खुशखबरी वाली साबित होने वाली है। बिग बॉस खबर के मुताबिक राहुल वैद्य और अली कोनी एक बार फिर से शो में दोबारा एंट्री कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो राहुल वैद्य इस बिग बॉस 14 से निकलने के बाद गोरेगांव के एक होटल में ठहरे हुए हैं। यहाँ वो बिग बॉस निर्माताओं की निगरानी में भी हैं। ऐसे में वो बिग बॉस में लौट सकते हैं। तो वही ऐसा कहा जा रहा है कि अली कोनी भी एक बार फिर से बिग बॉस 14 में एंट्री कर सकते हैं। वेल दोस्तों फिलहाल इस खबर पर किसी भी तरह की कोई भी ऑफिशियल कन्फर्मेशन तो सामने नहीं आई है। वेल दोस्तों आपको बता दें कि मालूम हो कि पिछले हफ्ते नॉमिनेशन में राहुल वैद्य, रुबीना दिलैक, जैसिन भसीन और निक्की तंबोली थे। शनिवार को पहले एविक्शन में निक्की तंबोली घर से बाहर हुई। उसके बाद रविवार को राहुल ने शो से क्विट करने का फैसला किया। राहुल के इस फैसले से पहले ही शो के होस्ट यानी कि सलमान खान ने ये भी बताया था कि राहुल को रुबीना और जैस्मिन के बीच किसी को एक से ज्यादा वोट्स मिले थे। इससे पहले कि कोई बाहर जाता, राहुल ने खुद ही शो छोड़ने का डिसीजन ले लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें घर की बहुत याद आ रही है और वो अब बिग बॉस में नहीं रह सकते हैं। इसके पीछे उन्होंने बस यही तर्क दिया है कि वो होमसिक महसूस कर रहे हैं। अब बिग बॉस खबरें की ये खबर है कि राहुल वापस बिग बॉस 14 में आ सकते हैं, उनके फैंस के लिए उम्मीद लेकर आई है। तो वेल दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि बार फिर से अली कोनी बिग बॉस 14 में एंट्री कर सकते हैं, जिसके लिए फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो दोस्तों इसको लेकर क्या है आपकी राय, अली कोनी और राहुल वैद्य की फिर से बिग बॉस एंट्री में लेकर क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।